कंप्लीट गैलरी का एरिया वो बहुत बड़ा आने वाला है. यू हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द गार्डन. वाओ, दिस इज अमेजिंग. बहुत बड़ा, बहुत स्पेशियस वार्डरोब है. साथ ही मैं बता दूं, यहाँ पे 30+ एमिनिटीज है. हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल मावड़े और आज हम आए हैं पुणे वेस्ट के वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग लोकेशन इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट पे. मैं जिस लोकेशन की बात कर रहा हूँ, उस लोकेशन का नाम है बालेवाड़ी और करने वाले यहाँ के एक प्रीमियम एक्सक्लूसिव 3 BHK अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट का रिव्यू. बाय द वे, जो भी लोग नियर पोजिशन या फिर रेडी टू मूव इन 3 BHK अपार्टमेंट देख रहे हैं, देन दिस प्रोजेक्ट इज़ फॉर यू. और जो भी लोग 1600 to 1700 स्क्वायर फीट के 3 BHK अपार्टमेंट देख रहे हैं, उनके लिए ये प्रोजेक्ट परफेक्ट है. तो मैं बता दूं, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ के प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में. उसके बाद मैं यहाँ का आपको 3 BHK का गार्डन फ्लैट दिखाऊंगा विच इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर. और उसके बाद हम यहाँ के USPs के बारे में बात करेंगे. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में. सो लेट्स गो. सो चलिए बात करते हैं अभी प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में. ये टोटल प्रोजेक्ट 7 acres के लैंड पार्सल पे, जहाँ पे ओनली 4 towers है, जिसमें से 3 towers का ऑलरेडी पोजेशन हो चुका है और ऑलरेडी वहाँ पे फैमिलीज रह रही है. AB and D tower आर ऑलरेडी सोल्ड आउट और उसका पोजीशन भी हो चुका है, फैमिलीज वहाँ पे रहती हैं. साथ ही में अभी C tower का कंस्ट्रक्शन चल रहा है. अकॉर्डिंग टू द रेरा, C tower का जो पोजीशन है वो December 23 है, लेकिन ये विद इन 4 months में कंप्लीट हो जाएंगे, इतना जोरों से इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है. यू कैन सी द कंस्ट्रक्शन आफ्टर सम टाइम. मैं जैसे ही प्रोजेक्ट डिटेल्स खत्म कर दूँ तो आप पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन का एक आइडिया ले सकते हैं. साथ ही मैं बता दूँ, यहाँ पे 30+ एमिनिटीज़ है, जिसमें कि आपको चिल्ड्रंस प्लेइंग एरिया, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, पार्टी लॉन, बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई एमिनिटीज़ मिल जाएंगी. आप एमिनिटीज़ देख भी सकते हो. अभी भी मैं करंटली एक एमिनिटी में हूँ जिसमें चिल्ड्रंस प्लेइंग एरिया और बास्केटबॉल कोर्ट ऑलरेडी आपको बैकग्राउंड में दिखा होगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेकआउट करते हैं यहाँ का 3 BHK का गार्डन फ्लैट, जो कि 2054 स्क्वायर फीट का. सो लेट्स हैव अ लुक. सो अभी हम टावर के अंदर एंटर कर रहे हैं. सो ये है आपकी ब्यूटीफुल एंट्रांस लॉबी, जहाँ पे आपका कंप्लीट वेटिंग एरिया है. साथ ही में जैसे कि मैंने बोला, देर विल बी 4 apartments पर फ्लोर. ईच अपार्टमेंट विल बी ऑफ 3 BHK. सो यहाँ पे 4 apartment रहेंगे. जो ग्राउंड फ्लोर के अपार्टमेंट है, दैट विल बी इन गार्डन फ्लैट्स. सो यहाँ पे 2 apartments हैं. साथ ही में यहाँ पे ही आपके बीच में सेंटर में लिफ्ट आएंगी, विच विल बी पैसेंजर लिफ्ट एज वेल एज सर्विस लिफ्ट. विद दैट देर विल बी 2 staircases. और साथ ही में बाकी के जो 2 remaining फ्लैट्स हैं, दे विल बी हियर. सो हम सैम्पल फ्लैट देखेंगे, जो कि है 2054 स्क्वायर फीट का 3 BHK अपार्टमेंट. सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके रिव्यू के साथ, इसका पूरा वॉक थ्रू देखते हैं. सो एट द एंट्रेंस ही आपको हाइक विजन का वीडियो डोर फोन मिलेगा. साथ ही में आपको मिलेगा ये गोदरेज का डिजिटल डोर लॉक, जिसे आप कार्ड से एक्सेस कर सकते हो, की से एक्सेस कर सकते हो, कोड से एक्सेस कर सकते हो और साथ ही में फिंगरप्रिंट से भी एक्सेस कर सकते हो. और उसी के साथ मिलेगा आपको ये प्रीमियम क्वालिटी का वुडन डोर. जैसे आप एंटर करते हो, आपको मिलता है ये प्रीमियम इटालियन मार्बल, यू कैन चेक इट आउट. और साथ ही में ये ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, काफ़ी बड़े एंट्रेंस लॉबी दी है. मैं डायमेंशन सभी आपके स्क्रीन पे डाल देता हूँ, सो यू कैन चेक इट आउट. अगर आप देख सके तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्होंने इंटीरियर किया है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कम्प्लीटली शू रैक के लिए ड्रॉअर्स और ये सब चीज़ें बनाया है. और साथ ही में इस साइड में भी कम्प्लीट डेकोरेशन के लिए इन्होंने ये सब बॉक्सेस बनाए हैं, जहाँ पे अलग अलग तरह का कम्प्लीटली इंटीरियर डेकोरेशन की आइटम्स इन्होंने रखे हैं. सो काफ़ी बड़ी एंट्रेंस लॉबी और काफ़ी अच्छे से इसे यूटिलाइज किया है इंटीरियर डिजाइनिंग के एस्पेक्ट से. सो चलिए आगे बढ़ते और चेकआउट करते हैं यहाँ का लिविंग एंड डाइनिंग. उससे पहले मैं बता दूँ, इस साइड में भी बेडरूम है. ओके, सो दिस इज़ अ गेस्ट बेडरूम. सो ये कम्प्लीट परफेक्ट बटरफ्लाई फ्लोर प्लान बनाया, जैसे कि गेस्ट बेडरूम एक साइड डाल दिए और बाकी रिमेनिंग बेडरूम्स एक साइड. सो प्लीज़ कम. बहुत ही ब्यूटीफुल इनका कंप्लीट लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है, काफ़ी अच्छे से यूटिलाइजेशन है, कम्प्लीटली एक बैलेंस तरीके से इसे यूटिलाइज किया. जैसे कि आप देखें तो यहाँ पे सोफा का सेटअप किया है, अगर चाहे तो आप यहाँ पे यू शेप सोफा का सेटअप कर सकते हो. और साथ ही में इसके साथ दिया है गार्डन फ्लैट. जैसे कि हम गार्डन फ्लैट देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो कंप्लीट गैलरी का एरिया वो बहुत बड़ा आने वाला है. अभी मैं ये दिखा नहीं सकता हूँ, रीजन बीइंग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ से आपको डायमेंशन बता देता हूँ. डायमेंशन आप स्क्रीन पे देख सकते हो ताकि आपको आइडिया है. और यू कैन सिंपली कॉल मी और मैसेज मी कि आपको ये अपार्टमेंट पसंद आया, तो मैं आपको इसका ब्रोशर और बाकी सब डिटेल्स भेज दूंगा. सो काफ़ी बड़ा ये गार्डन का एरिया है, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो. जिसको भी गार्डनिंग करना पसंद है, दे विल डेफिनेटली लाइक इट. सो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेकआउट करते हैं यहाँ का डाइनिंग का एरिया. वाओ, डाइनिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा दिया है. यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट 5 seater का इन्होंने डाइनिंग टेबल रखा है, लेकिन अगर आप चाहे तो यहाँ पे 6 seater to 8 seater का डाइनिंग टेबल कंफर्टेबली आप सेट कर सकते हो, उतना बड़ा स्पेस है. चलिए आगे बढ़ते हैं और चेकआउट करते हैं यहाँ का किचन.
सो किचन भी वाओ, इट्स क्वाइट स्पेशियस। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि इंटीरियर डिजाइनर ने किचन को कम्प्लीटली प्रिवेसी देने के लिए यहाँ पे एक पार्टीशन भी दिया है। आप ऐसा पार्टीशन भी लगा सकते हो किचन के अंदर ताकि कोई भी लिविंग में जो बैठा है उसे आपके किचन का कुछ भी ना दिखे, विच इज रियली गुड थिंग। मुझे काफी पसंद आया ये भी कंसेप्ट। और साथ ही में किचन भी एक कंप्लीट एल शेप ग्रेनाइट है, यहाँ पे ब्लैक ग्रेनाइट इन्होंने दिया है, अच्छा स्टोन दिया है। और साथ ही में कुछ इस तरह से आप अपर और लोअर कैबिनेट्स का सेटअप कर सकते हो। और साथ ही में यहाँ पे फ्रैंकी के इन्होंने कंप्लीट ये सीपी फिटिंग्स दिए, काफी अच्छी क्वालिटी के है। फ्रैंकी इज वेरी वेल नोन ब्रांड इन सीपी फिटिंग्स। और उसी के साथ ये ड्राई एरिया है, यहाँ पे कंफर्टेबली अगर आप चाहो तो दो वॉशिंग मशीन, एक डिश वॉशर और साथ ही में रेफ्रिजरेटर का सेटअप कर सकते हो। क्वाइट कंफर्टेबल स्पेस इट इज। सो चलिए अभी देखते हैं यहाँ का गेस्ट बेडरूम। सबसे पहले मैं आपको गेस्ट बेडरूम दिखाता हूँ, उसके बाद मैं रिमेनिंग दो बेडरूम और कॉमन वॉशरूम दिखाऊंगा। सो लेट्स हैव अ लुक। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट बेडरूम। वाओ, सबसे अच्छी बात है यहाँ की फ्लोरिंग, यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग दे रहे हैं, काफी रिच, काफी प्रीमियम, काफी क्लासी फीलिंग आ रही है यहाँ की। तो साथ ही में डायमेंशन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, काफी कोजी बेडरूम है, काफी ब्यूटीफुली इसे डिजाइन किया है। कंफर्टेबली यहाँ पे किंग साइज बेड सेटअप हो सकता है, क्वीन साइज इज ऑल्सो इनफ। और साथ ही में यहाँ पे आप एक टेलीविजन का भी सेटअप कर सकते हो। नीचे टेबल भी काफी अच्छा इंटीरियर इन्होंने किया ही है, नो डाउट इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल इंटीरियर। और सबसे खास बात इस गेस्ट बेडरूम की ये है, यू हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द गार्डन। सो आप सीधा आपके बालकनी में यहाँ से जा सकोगे। सो डायरेक्ट एक्सेस दिया है। सो यहाँ पे थोड़ा लाइट पड़ रहा है तो मैं थोड़ा कैमरा में डिस्टर्बेंस ना आए इसलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम। साथ ही में यहाँ पे ये बहुत स्पेशियस बेडरूम है, इंटीरियर किए जाने के कारण माइट भी आपको लगे, बट यहाँ पे भी इन्होंने वार्डरोब्स बना दिए हैं। कंफर्टेबली ये वार्डरोब बनाने के बाद भी इनफ वॉकेबल स्पेस आपको बचता है, काफ़ी स्पेशियस बेडरूम आपको ऑलमोस्ट मिल जाती है, क्वाइट स्पेशियस इट इज़। और उसी के साथ आपको मिलता है ये अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम में भी आपको जो सीपी एंड सैनिटरी वेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं, दे आर फ्रॉम टूटो एंड ब्रोहे इक्विवेलेंट ब्रांड, काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं। और साथ ही में यहाँ पे जो शावर का पूरा सेटअप है उसमें ग्लास इंक्लोजर भी आपको दिया है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लीज कम। अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ का कॉमन वॉशरूम और बाकी दो रिमेनिंग बेडरूम्स। सो यहाँ पे इन्होंने कॉमन वॉशरूम दिया है, काफी अच्छा है, काफी वेल प्लान्ड है। अगर आप देखें तो इट्स क्वाइट स्पेशियस। यहाँ पे भी ग्लास इंक्लोजर्स प्रोवाइड किए गए हैं जो कि शावर एरिया को कम्प्लीटली सेपरेट रखते हैं। और साथ ही में यहाँ पे बेसिन और उसके नीचे काउंटर टॉप दिया है, और उसी के साथ यहाँ पे ही इनका कमोड और बाकी सब सीटिंग्स है। ये भी कम्प्लीट जो सीपी एंड सैनिटरी वेयर्स है वो टूटो और इक्विवेलेंट ब्रांड की ही प्रोवाइड कर रहे हैं। सो चलिए चेकआउट करते हैं अभी यहाँ की कॉमन बेडरूम। सो प्लीज कम। वाओ, यहाँ पे भी वुडन फ्लोरिंग दिया है, इन्होंने तीनों बेडरूम्स में वुडन फ्लोरिंग दिया है। क्वाइट रिच फील देता है ये वुडन फ्लोरिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल ये फ्लोरिंग है इफ यू कैन सी। और साथ ही में इस साइड में से भी आपको ये फुल लेंथ विंडोज मिल जाती है, यू हैव दिस फुल लेंथ विंडो, काफी अच्छा लाइट आ रहा है, यू कैन सी। सो दिस वॉज अ सेकेंड बेडरूम, यहाँ पे भी काफी अच्छे से इन्होंने यूटिलाइजेशन किया, किंग साइज बेड का सेटअप हो सकता है, यू कैन हैव अ टेलीविजन। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेकआउट करते हैं यहाँ का थर्ड और मास्टर बेडरूम, काफी ग्रैंड बेडरूम है, लेट्स हैव अ लुक। वाओ, सो ये बेडरूम में इन्होंने कंप्लीट इटालियन मार्बल दिया है, क्वाइट रिच इट इज। वाओ, इट्स क्वाइट स्पेशियस, किंग साइज का बेड का सेटअप, यहाँ पे टेलीविजन का सेटअप, ब्यूटीफुल वॉल का इंटीरियर बहुत ही ब्यूटीफुल इन्होंने किया है। और साथ ही में यहाँ पे एक मिरर भी इन्होंने सेटअप किया है। और विद दैट यू ऑल्सो हैव एक्सेस टू द गैलरी, टू द गार्डन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बेडरूम। सो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, थोड़ा सा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहने के कारण मैं आपको वो एरिया दिखा नहीं सकता हूँ, बट डेफिनेटली यू कैन आस्क मी आउट, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी और यू कैन कॉल मी एंड आई डेफिनेटली शेयर यू द डिटेल्स ऑफ दिस होल अपार्टमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते और चेकआउट करते हैं यहाँ का वार्डरोब स्पेस, जो कि ये सबसे खास बात है इस पर्टिकुलर बेडरूम की। सो दिस इज अ मास्टर बेडरूम और यहाँ की सबसे खास बात है, एक तो आपको सीधा गैलरी, गार्डन फ्लैट की गैलरी के लिए एक्सेस है, साथ ही में यहाँ पे वार्डरोब स्पेस भी दिया है और साथ ही में आपको लॉबी भी है, विच विल कम्प्लीटली इंश्योर योर प्राइवेसी। सो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं यहाँ का वार्डरोब स्पेस। वाओ, दिस इज अमेजिंग, बहुत बड़ा, बहुत स्पेशियस वार्डरोब है। अगर आप चाहे तो एल शेप का भी वार्डरोब के यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, इट्स दैट बिग। अगर आपको सच में ये सब चीज़ों का कलेक्शन का शौक है, एक्सेसरीज, बेल्ट, क्लोथिंग पसंद है, तो डेफिनेटली आप इसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे।
और उसी के साथ आपको मिलता है ये अटैच वॉशरूम, क्वाइट स्पेशियस। मुझे लगता है यहाँ पर पार्टीशन की सच में ज़रूरत है, ऐसा नहीं चलेगा, डेफिनेटली वी नीड अ पार्टीशन ओवर हियर। साथ ही में यहाँ पे भी आपको काफ़ी बड़ा इन्होंने ये दिया है काउंटर, इफ़ यू कैन सी वेरी बिग काउंटर दे हैव गिवन इट, काफ़ी ब्यूटीफुली इसको डिज़ाइन किया। अगर आप देखें तो शावर एरिया में कंप्लीट शावर इंक्लोजर लगाया है ताकि वो कंप्लीट वेट एरिया वेट रहे और बाकी एरिया को ड्राई रखा जा सके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक छोटा सा इसका रिकैप भी दे देता हूँ। सबसे लास्ट में हमने देखा ये मास्टर वॉशरूम, उससे पहले देखा ये ग्रैंड वार्डरोब स्पेस, और साथ ही हमने देखा ये ग्रैंड मास्टर बेडरूम, क्वाइट स्पेशियस इट वॉज। और उसको ही साथ में आपको एक्सेस है यहाँ के गार्डन का, यहाँ के गार्डन के गैलरी का। जस्ट उसी के पहले देखा हमने ये कॉमन बेडरूम, बिफोर दैट दिस कॉमन वॉशरूम विद ग्लास इंक्लोजर एंड सीपी एंड सैनिटरी और फिटिंग फ्रॉम टोटो। साथ ही में हमने देखा ये डाइनिंग एरिया, क्वाइट ब्यूटीफुल इट इज। उसी के पहले हमने देखा ये किचन विद एल शेप प्लेटफॉर्म एंड अ ड्राई एरिया, क्वाइट स्पेशियस इट वॉज। विद दैट हमने देखा ये लिविंग एरिया, हम यहाँ का ब्यूटीफुल गार्डन का एरिया नहीं देख पाए बिकॉज कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लेकिन डेफिनेटली अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको इसका कंप्लीट ब्रोशर भेज दूंगा विथ ऑल द डायमेंशन। और उसी के पहले हमने देखा ये गेस्ट बेडरूम एंड ऑल्सो दिस ब्यूटीफुल एंट्रांस लॉबी, वाओ क्वाइट स्पेशियस इट इज। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे कई रियल एस्टेट रिलेटेड ब्लॉग देखने के लिए आप मुझे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट वीडियोज। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रॉपर्टी पे, तब तक के लिए बाय, सी यू इन नेक्स्ट प्रॉपर्टी।